नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक पराठे, यानी कि लौकी के पराठे, जिसे घिया या बॉटल गार्ड भी कहते हैं। घर में बच्चे लौकी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें लौकी को पराठे के रूप में या सैंडविच के रूप में दिया जाए तो वो बड़ी ही आराम से और स्वाद के साथ खाते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इन स्वादिष्ट और पौष्टिक लौकी के पराठे को कैसे बना करके तैयार करते हैं। देखिए, ये मैंने एक लौकी ली है। इसमें से आधी लौकी लूँगी, उसे छील लूँगी और कद्दूकस में कस लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने लौकी को कस लिया है। इसी तरह हम सारी लौकी को कस के तैयार कर लेंगे। मसालों में स्वाद के अनुसार चौथाई चम्मच नमक, चौथाई चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर ले लीजिए। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा क्रश किया हुआ, आधी चम्मच जीरा, दो पिंच हींग और आधा नींबू का रस ले लीजिए। कढ़ाई में एक टेबल स्पून तेल गरम करके हींग जीरा डाल दीजिए और क्रेकल होने दीजिए। जीरा क्रेकल होने पर कटी हुई हरी मिर्च और क्रश किया हुआ अदरक डाल करके हल्का सा उसे मिला लीजिए। देखिए इस तरह से। अब कद्दूकस की हुई लौकी को कढ़ाई में डाल दीजिए और मीडियम फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए चलाते हुए उसे भून लीजिए। सभी मसाले डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिला लीजिए। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखिए। देखिए, लौकी में सभी मसाले अच्छी तरह से मिल गए हैं। 1-2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से चलाते हुए और भून लीजिए। अब धीमी फ्लेम पर ढककर थोड़ी देर लौकी को सॉफ्ट होने दें। लगभग 2-3 मिनट बाद ढक्कन हटाकर देखें, लौकी एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब गैस की फ्लेम तेज़ कर दें और 1-2 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसे भून लें ताकि इसका सारा पानी ख़त्म हो जाए। देखिए, लौकी एकदम खुश्क हो गई है। अब उसमें चौथाई चम्मच गरम मसाला और आधा नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिला लीजिए। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और लौकी की तैयार इस पिट्ठी को किसी दूसरे बर्तन में निकाल करके ठंडा होने दीजिए। देखिए, लौकी की पिट्ठी को प्लेट में निकाल लिया है और ये एकदम ठंडी हो गई है। लौकी के पराठे बनाने के लिए लौकी की जो पिट्ठी तैयार की है, इसमें बिल्कुल भी नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसे दूर करने के लिए देखिए, ये भुने हुए चने हैं, इन्हें मिक्सी में पीस करके पाउडर तैयार कर लिया है। इसकी जगह हम चने का सत्तू या भुना हुआ बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जितनी ज़रूरत हो उसके अनुसार ये भुने हुए चने का पाउडर डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए। मैंने 3 टेबल स्पून भुने हुए चने का पाउडर डाला है। इसी से लौकी की पिट्ठी परफेक्ट तैयार हो गई है, जो पराठे के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। बस आटे में से एक पोर्शन लीजिए, उसे सूखे आटे से डस्ट कीजिए और इस तरह रोटी के शेप में बेल लीजिए। बेली हुई रोटी पर लौकी की भरावन को रख लीजिए और चम्मच से इस तरह से स्प्रेड कर लीजिए और चारों तरफ से रोटी को फोल्ड करते हुए इस तरीके से भरावन को अच्छी तरह से कवर कर दीजिए। भरी हुई लोई को सूखे आटे से डस्ट करके हल्के हाथ से दबा दबा कर थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अब बेलन से हल्के हाथ से इसे बेल लीजिए और गर्म तवे पर सिकने के लिए डाल दीजिए। गैस की फ्लेम मीडियम रखिए। एक तरफ हल्का सिकने पर इसे पलट दीजिए और दूसरी तरफ हल्का सिकने दीजिए। पराठे को आप अपनी इच्छा के अनुसार तेल
या घी में सेकिए। मैं तेल लगा रही हूँ। एक तरफ तेल लगाने के बाद पराठे को पलट दीजिए और दूसरी तरफ भी इसी तरह से तेल को लगा लीजिए। पराठे को अलट पलट कर मीडियम फ्लेम पर गोल्डन क्रिस्प होने तक सिकने दीजिए। लौकी का पराठा अच्छे से गोल्डन क्रिस्प तैयार है, प्लेट में निकाल लीजिए। सेम इसी तरीके से बाकी बचे सभी पराठों को गोल्डन क्रिस्प बना करके तैयार कर लीजिए। लीजिए, लौकी के स्वादिष्ट पराठे बनकर तैयार हैं। करी पत्ते की चटनी के साथ सर्व कीजिए। करी पत्ते की चटनी की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लौकी के पराठे को आप किसी भी अचार, दही या चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी इन लौकी के पराठे को बनाइए, देखिए। जो घर में लौकी नहीं खाते हैं वो भी इन लौकी के सौंधे सौंधे पराठों को बड़े ही स्वाद के साथ खाएंगे। वैसे तो मैंने लौकी के साथ बहुत से ब्रेकफास्ट बनाए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली लौकी के सैंडविच बनाए हैं। उनकी रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आप भी बनाइए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। यदि आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।